हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप सिंपल लिव बेटर। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल प्याज और शिमला मिर्च की लजीज सब्जी। कैप्सिकम की जो ये सब्जी है ये काफ़ी टेस्टी होती है, टेम्पटिंग होती है, माउथ वाटरिंग होती है। मैंने काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ इस रेसिपी को बनाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल कीप सिंपल लिव बेटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एंड मेरी बताई हुई इस रेसिपी को आप प्लीज़ अपने घरों में ट्राई ज़रूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी को बनाना। और अगर आपको हेयर स्टाइल में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरी फीचर चैनल इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने कैप्सिकम को इस शेप में और ऑनियंस की जो पेटल्स हैं इस शेप में कट करके रख लिया है। ऑनियन पेटल्स इस तरह से होनी चाहिए। सब्जियाँ जो है वो हमारी तैयार है। इसके बाद हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है। उसमें हल्का सा 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है और फ्लेम को हाई करके कैप्सिकम और ऑनियन को रोस्ट कर लेना है। फ्लेम जो है वो हाई रहना चाहिए, उससे ये ज़्यादा क्रिस्प हो करके रोस्ट होंगे। अदरवाइज अगर आप लो फ्लेम में इन्हें रोस्ट करेंगे ना तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए फ्लेम को हाई रखना है। हमारे ऑनियन और कैप्सिकम तैयार है रोस्ट हो करके। फिर से मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। देन हमें डालना है होल गरम मसाला। सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से क्रैकल होने दें। अगर मसाले अच्छे से क्रैकल होते हैं ना तो उनका एरोमा जो है वो सब्जी में बहुत अच्छा आता है, इसलिए जो ये मैंने डाला है ये अच्छे से क्रैकल होने दें। इसके बाद हमें डालना है फाइनली चॉप्ड ऑनियंस। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। फ्लेम को मीडियम रखना है। इसके बाद मैंने डाला है जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली की क्रस्ट वाली पेस्ट। इससे जो है ना वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद हमें डालना है चॉप्ड टोमेटोज। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लें। हमें ऑनियंस और टोमेटो को सॉफ्ट करना है, इसलिए अब हम सबसे पहले डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, देन हल्दी पाउडर, देन कोरिएंडर पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। फ्लेम मीडियम रखें जिससे हमारे मसाले जो हैं वो बर्न नहीं हो, बर्न होने से टेस्ट खराब हो जाएगा। इसके बाद हमें डालना है कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे सब्जी जो है वो तीखी नहीं बनेगी बट सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं हाफ कप पानी डाल दूँगी जिससे मसाले जो है ना वो बर्न नहीं हो। साथ के साथ ऑनियंस को सॉफ्ट करने के लिए भी ये ज़रूरी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कवर कर देना है। आफ्टर 5 मिनट्स हमारे ऑनियंस जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, साथ के साथ टोमेटोज भी सॉफ्ट हो चुके हैं। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला देना है। लेडल के हेल्प से भी आप मैश कर सकते हैं अगर कुछ बड़े टुकड़े हैं तो। इसके बाद मैंने डाला है किचन किंग पाउडर। इससे जो है सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। किचन किंग मसाला पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें, फ्लेम को मीडियम रखें। देन मैंने डाला है 1 टीस्पून शुगर। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं बट अगर डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद मैंने डाला है होल ग्रीन चिलीज। इससे सब्जी काफ़ी अच्छी दिखती है।
तीखी भी नहीं होती है, इसलिए मैंने होल डाला है। इसके बाद मैंने स्प्रिंकल किया है कसूरी मेथी, उससे काफ़ी अच्छा एरोमा आता है, साथ के साथ फ्लेवर भी। देन मैंने डाला है 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। क्रीम डालने के बाद फ्लेम को लो कर दें और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। सभी चीज़ें जब अच्छे से मिल जाए, देन हमें डालना है हमारे जो रोस्टेड ऑनियन पेटल्स और कैप्सिकम थी, मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से मिला देना है जिससे मसाला जो है वो ऑनियन पेटल्स और कैप्सिकम में अच्छे से कोट हो जाए। मसाले अच्छे से ऑनियन पेटल्स और कैप्सिकम में कोट हो चुके हैं। इसके बाद हमें जस्ट पानी डालना है, हल्का सा बॉईल करना है। आप ऐसे भी इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी, बट मैं यहाँ पे हल्का सा पानी डाल रही हूँ। बस पानी मैंने डाल दिया है, जस्ट 1 कप मैंने पानी डाला है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके जस्ट 1 बॉयल आने दें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाती है ये रेसिपी। मैंने कवर कर दिया है मीडियम फ्लेम पर, 1 बॉयल आने दें। सब्जी में बॉयल आ चुकी है, हमारी सब्जी जो है वो ऑलमोस्ट डन है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, अब ऐसे ही 5 मिनट के लिए रहने दें। इसके बाद ये जो टेक्सचर है ना, ये परफेक्ट टेक्सचर है ढाबा स्टाइल ऑनियन एंड कैप्सिकम के सब्जी की। ये सब्जी जो होती है वो काफ़ी टेस्टी और लजीज होती है। आप इसे तंदूरी रोटी, नान, पराठे या प्लेन रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही साथ आप राइस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। आई होप मैंने वीडियो को अच्छे से बनाया है, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल कीप सिंपल लिव बेटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, और आपकी रेसिपी कैसी बनी है ये कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।